वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं मईशत की। मुख्तलिफ स्कीम्स लॉन्च की गई हैं और ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और मौजूदा हुकूमत का, रोशन डिजिटल अकाउंट, विच इज़ ऑल फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी। एक बड़ा ही बर्क रफ्तार तरीका कि वो ना सिर्फ अकाउंट्स खोल सकते हैं, कोविड का दौर है तो मेरी इतलात के मुताबिक 48 आवर्स यू कैन डू इट ऑनलाइन, मिनिमल पेपर वर्क आपको चाहिए और एक बराहे रास्त तरीका है जिससे आप जुड़ सकते हैं, अपने रेमिटेंसेस भेज सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हुकूमत वक्त ने लॉन्च की हैं। इसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या आ रहा है, हाउ आर द पीपल परसीविंग इट, एंड ऑफकोर्स द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये एक पूरा इको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की बात करें, इसके लिए हुकूमत के पार्टनर्स बने हैं पाकिस्तान के बैंक्स। आज ज़रा जानते हैं कि उनके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एंड हाउ आर दे व्यूइंग द पॉलिसी फ्रेमवर्क विच इज़ नाउ इन प्लेस। हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेसिडेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, जनाब मोहसिन नथानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नंबर्स आर वेल, क्योंकि लोग जैसे बात कर रहे थे कि कोविड में पहले सर्वाइवल, फिर स्टेबलाइजिंग एंड थ्राइविंग। सो आज मैंने इंट्रो में भी कहा, एक्सपोर्ट्स आर लुकिंग गुड, RDA को बड़ी पजीराई मिली है दुनिया भर में। आप कैसे देख रहे हैं इस इको सिस्टम को डिवेलप होता हुआ और क्या 2021 हमारी मईशत के लिए एक अच्छा साल होगा? शुक्रिया सिद्रा मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए जी, अगर पहले रोशन डिजिटल के हवाले से हम बात करें तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की थी अप्रैल में, सितंबर 2020 में, इसको 6 महीने हुए हैं बीइंग इन ऑफरिंग। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अक्टूबर से आप देखें मंथ ऑन मंथ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता गया है और जो मार्च का महीना ख़त्म हुआ है इसमें बहुत उम्दा रिस्पॉन्स रहा था। इसकी सिंपल वजह यह है कि इन्होंने ये स्कीम इस तरह की बनाई हुई कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो बड़ी आसानी से अपने घर पे बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं, अपने कंप्यूटर से डिजिटली अकाउंट खोल लेते हैं, पेपर वर्क जमा कराते हैं, 48 घंटे में उनका अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद जो है उनके लिए तमाम किस्म की आसानियाँ हैं कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी यहाँ पर फैमिली के अखराज पे करना चाहते हैं। सो द स्कीम हैज़ मेड द प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग वेरी सिंपल। अच्छा, व्हाट वाज द यू नो द मैकेनिज्म इन प्लेस बिफोर दिस, यानी जब हम कहते हैं कि इसने एक खातर ख्वाह तब्दीली लेके आया है, एक मोमेंटस चेंज है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट है, इससे पहले क्या तरीक़ेकार होता था ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए? क्या उनको पाकिस्तान आके अकाउंट खोलना पड़ता था? जी। अब उससे पहले जब ये पाकिस्तान आते थे तभी अकाउंट खोलते थे, फैमिली मेम्बर अगर साथ में है, मियाँ बीवी जॉइंट अकाउंट खोलना है, दोनों को साथ आना होता था, अकाउंट खुलता था, उसके बाद वो ऑपरेशनलाइज हो सकता था। अब ये कोविड की वजह से खास तौर पे लोगों का ट्रैवल बहुत कम हो गया, उसमें और आसानी हो गई है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं बैरून मुल्क में आप डिजिटली जाइए, अकाउंट के अपने पेपर्स जमा कराइए, 2 दिन में आपका अकाउंट खुल जाता है। हर बैंक ने बहुत उम्दा सर्विस प्रोवाइड की है कि जी 24 आवर्स उनकी कॉल सेंटर्स पर आप फ़ोन करें, ज़रा सी भी कोई दिक्कत हो तो ये बहुत आसानी हो गई है, जिसके ये मुस्बित रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं हमें। आप देखें ना कितने अकाउंट खोल गए हैं, कितनी फंडिंग हो गई है, इट्स बीन अ वेरी सर। एक स्नैपशॉट अगर हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे बैंक्स ऑफ कोर्स स्टेट बैंक के और हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सितंबर 2020 से लॉन्च होने वाला रोशन डिजिटल अकाउंट, इस वक्त कितने एक्टिव अकाउंट्स हैं, कितनी रेमिटेंसेस आ चुकी हैं? इसमें अकाउंट जो खुल चुके हैं अभी तक 1 लाख के करीब अकाउंट खुल चुके हैं। फ्रॉम द लेटेस्ट रिपोर्ट 97 मुल्कों से ये अकाउंट खुले हैं। आप सोचिए $800 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, ये 805 या 806 मिलियन हो चुके हैं एज ऑफ मार्च 31st। और इसमें रिस्पॉन्स जैसे मैंने आपको बताया सितंबर में शुरू किया था, सितंबर वॉज द फर्स्ट मंथ, सिर्फ कोई $9 मिलियन आए थे, अक्टूबर में वो 40 से ऊपर हो गए, बढ़ते चले गए, फरवरी में आप देखें $225 मिलियन आए, मार्च में आप देखिए $212 मिलियन आए। तो ये बड़ी इसकी एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन बढ़ती चली जा रही है। आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात एट द 3rd फाइनेंशियल क्राइम समिट में हुई थी, जिसमें सदर मुमलिकत भी आए थे, द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब भी मौजूद थे। मुझे ये बताइएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू नो पैरेलल डिस्कोर्स, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी भी पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट में है, ये अच्छाइयाँ हो रही हैं, क्या इसका एक तरह से जो पाकिस्तान का इमेज है, परसेप्शन है व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तान इकोनॉमी, वो भी इम्प्रूव हो रहा है? देखिए जी, जो मईशत अगर आप हमारी देखें मईशत को, तो उसमें बेहतरी तो आई है, आपके सामने है। सबसे बड़ा एक चीज़ होती है करंट अकाउंट डेफिसिट जो था, इफ़ यू गो बैक कपल ऑफ ईयर्स अगो $20 बिलियन के करीब होता था, अब आप देखें मंथ ऑन मंथ उसको कितना बेहतर किया गया है। यस, कोविड का दौर था, ग्रोथ रेट स्लो हुआ है, लेकिन इकॉनमी को स्टेबलाइज बहुत हद तक किया गया है और उसका फ़ायदा ये आप देख रहे हैं एक्सचेंज रेट हमारा जो है, जो पहले वीक हो रहा था वो अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। साथ साथ जो स्टेट बैंक की स्कीम्स थी पिछले, अगर मैं 12 महीने में देखूं जब से कोविड
शुरू हुआ था, इन्होंने कई किस्म की स्कीम्स दी बड़ी कंपनी। सबसे पहले तो उन्होंने स्टेबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सैलरीज एंड वेजेस की स्कीम्स अनाउंस की कि लोगों को जो बड़ी कंपनियां हैं या दरमियानी कंपनियां हैं इनको खुदा न खास्ता अपने लोगों को नौकरी से फारिग ना करना पड़े क्योंकि कारोबार बंद था, लॉकडाउन था। उस स्कीम के तहत आप सोचिए तकरीबन 225 अरब रुपये डिसबर्स हुआ है बैंकों के थ्रू इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट को हमने बड़ा एड्रेस किया कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ना जाए जी। उसमें बड़ी कंपनियों को भी था और छोटी कंपनियों के लिए भी स्टेट बैंक की स्कीम थी जिसमें स्टेट बैंक ने छोटी कंपनियों के लिए ज़्यादा सहूलियात की थी, बैंकों को रिस्क प्रोटेक्शन वगैरह दिया हुआ था। उसी तरह से फिर उन्होंने डिफरमेंट्स अलाउ किए हैं कि जी जो किस्तें ड्यू हो रही थी उसको उन्होंने कहा एक साल तक आप आगे ले जा सकते हैं। इनकम टैक्स के लिए भी यही कहा गया था, बाकी इनकम टैक्स तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने उस तरह से की। फिर एक आखिरी चीज़ मैं कहूँगा जैसे टर्फ है, बहुत मशहूर एक स्कीम हुई है ये जो कि अभी 31 मार्च पे ख़त्म होकर 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट उसकी अर्जियाँ खोलने की। उसमें 400 अरब से ऊपर का उन्होंने एक्सपेंशन के लिए एक फैसिलिटी दी है और बहुत भरपूर उसमें कामयाबी हुई है इस हद तक के वो इन्वेस्टमेंट हुई है हमारे मुल्क में। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि सारी जो 400 बिलियन रुपए की मैं बात कर रहा हूँ इससे मशीनरी लगी है, कैपेसिटी प्रोडक्शन की आपके मुल्क में बढ़ गई है। सही। अब इसका फ़ायदा होगा 6 महीने बाद 9 महीने बाद 12 महीने बाद आप देखेंगे चाहे वो लोकल प्रोडक्शन के तहत देखें या एक्सपोर्ट के लिहाज से। अच्छा मोहसिन साहब, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी एंड फाइनेंस एक पैरेलल इसका यानी एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट अक्सर ये दिया जाता है, यस वी ऑफन कोट कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट नीचे चला गया, लेकिन कहते ये भी हैं कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए जो तरक्की की राह पर भी जा रही हो, जहाँ पे आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, नए यूनिट्स अगर लग रहे हैं, तो करंट अकाउंट डिफिसिट होना कोई बुरी बात भी नहीं। इस वक्त अगर हम नीचे ले भी आए हैं उसको, फ्यूल हमारे यहाँ उसी तरह महंगा है, एक्सपोर्ट्स अगर ऊपर जा रही हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी भी परेशान है, या कारोबारी तबका कह रहा है कि जी द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गेटिंग हायर, तो हाउ आर दीज रियलिटीज मैचिंग अप नाउ? देखिए वो कई चैलेंजेस ऑब्वियसली होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मैं उन चीज़ों की आपके साथ शेयर कर रहा था कि जो स्टेट बैंक की स्कीम्स के तहत अभी बेहतरी आ रही है चीज़ों में। यस, इंपोर्ट को उन्होंने कम किया था बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करना था, और आपकी बात ठीक है करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट हुई है जिसकी वजह से एक डेफिसिट आएगा वो बेहतर है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, ये कंजम्पशन ड्रिवन नहीं है, ये फ़र्क है। तो आई थिंक इसमें बेहतर स्टेप्स लिए गए जिसके रिजल्ट्स आप हम सबके सामने आ रहे हैं। इन्फ्लेशन को क्या कंट्रोल कर पाएगी हुकूमत और क्या मैकेनिज्म्स हमारे पास इन प्लेस हैं अभी? देखिए इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ चैलेंज, ख़ासतौर पे फूड इन्फ्लेशन में जो है काफ़ी चैलेंज रहा है। इस पर अगर आप देखें कि इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बड़ा मॉनिटर करके लो रखा हुआ है ताकि इकॉनमी को सपोर्ट हो, वो इकॉनमी को सपोर्ट ज़रूर मिल रही है, लेकिन जो हमारी कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ी हुई हैं और वो इंटरनेशनल भी उसका इम्पैक्ट है। जैसे अगर आप कॉटन देख लें जो रुई है उसकी इंटरनेशनल कीमत भी बहुत बढ़ी और हमारे यहाँ शॉर्टेज रही, हमारा क्रॉप इतना अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से भी वहाँ पे आप देखें कीमतें बहुत बढ़ गई हैं इंटरनेशनली। तो यस, फूड इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ चैलेंज। गवर्नमेंट ने पीछे आपने देखा था लास्ट क्वार्टर में वीट को इम्पोर्ट किया था टू हेल्प दिस, उन्होंने कुछ शुगर को भी इम्पोर्ट किया था। अब दोबारा से आई थिंक कमोडिटी इम्पोर्ट्स को देख रहे हैं टू मीट द लोकल डिमांड ताकि इसकी प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। तो नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि एक आम आदमी के लिए आसानी हो सके। आप इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की बचत की स्कीम्स या सेविंग्स पे क्या देख रहे हैं? बैंक की इस वक्त सूरत हाल में क्या बताती है? बिकॉज लोग कह रहे हैं कि जी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लोग सेविंग कर पा रहे हैं, बचत कर पा रहे हैं, और आने वाले दिनों के लिए किन चीज़ों में सरमायाकारी कर रहे हैं? देखिए बचत के हवाले से दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम कोविड के एक दौर से गुजरे हैं विच हैज़ बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टाइम, लेकिन उसमें अल्लाह का बहुत एहसान रहा है पाकिस्तान के ऊपर इन्फेक्शन के लिहाज से भी कि हमारी और मुल्कों के मुकाबले में बड़ी कंट्रोल रही है, उसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ अच्छी रही हैं अभी तक। तो उस वजह से हम लोगों ने इकॉनमी को एक रिलेटिवली बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है। इस दौरान सेविंग आई डोंट थिंक बिकम्स अ बिग प्रायोरिटी बिकॉज यहाँ तो सर्वाइवल के इश्यूज होते हैं लोगों के। बिल्कुल। फिर आपने जो इंटरेस्ट रेट की बात की थी सेविंग में, देखिए अगर सेविंग्स के लिए आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपकी एक ऑलरेडी इकॉनमी जो कि फ्रेजाइल थी उसको स्टेबलाइज करना था और फिर ग्रोथ की तरफ ले जाना था, उसमें इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ाते हैं तो वो इम्पैक्ट आता है एक नेगेटिव किस्म का। तो ये एक बहुत फाइन बैलेंस होता है। आई थिंक इस वक्त लो इंटरेस्ट रेट से एज अ नेशन वी बीन एबल टू कंट्रोल stabilize and gradually take the economy towards growth. तो I would say कि वो सही अप्रोच रही है क्योंकि इस वक्त अगर हम सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट्स बढ़ाते
तो इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में, इन्वेस्टमेंट मजीद अट्रैक्ट करने में, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये मोटिवेट करना कि भैया आप इन्वेस्ट करें, अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप कैसे कर पाएंगे? वैसे मोहसिन साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम हुकूमत की मईशत के हवाले से कारकर्दगी को जब जाँच रहे होते हैं या एनालाइज कर रहे होते हैं, हम कभी कभार बिल्कुल वी आर नॉट टेकिंग इट इन क्वेश्चन कि कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे तब्दील किया है। तो मुझे बताइए कि जो रिवायती अंदाज था लोगों का इन्वेस्ट करने का, वो तो ये था कि जी सोना खरीद लें या फिर घर बना लें, और हमें पता है कि कोविड के पहले से ही हाउसिंग का जो एक चैलेंज है पाकिस्तान में, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि 10 साल पहले की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की 80% जो हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च होती थी उसमें सिर्फ 11% आबादी उसको अफोर्ड कर पाती है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ अ बिग चैलेंज फॉर एनी कंट्री एंड लाइक वाइज फॉर पाकिस्तान। उसके लिए हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। क्या अभी भी लोग रुगबत दिखा रहे हैं अपना घर बनाने की तरफ, और इस स्कीम से कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं? लेकिन स्कीम अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है। आपने जिस तरह से कहा बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में लोगों के लिए घर हाउसिंग अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था, तो अफोर्डेबल हाउसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ये वज़ीर-ए-आज़म की खास तौर पर स्कीम है। बल्कि आज हमारी मीटिंग है वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, बड़ी रेगुलरली वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इसको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। स्टेट बैंक बैंकों के साथ बड़ी तेज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, बहुत रेगुलरली काम कर रहे हैं। अब ये कि बैंक्स हैव बीन टोल्ड, बैंक्स इसको देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए बोरोर को भी जिसने बैंक से लोन लेना है घर लेने के लिए, और बिल्डर को भी। अब इसके अंदर से भी ये कि कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस इस तरह से आते हैं कि इतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं होती। अगर आपने 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख घर प्रोवाइड करने हैं, इनको बनाने में भी टाइम लगता है, पेपर वर्क में भी हमारे मुल्क में ज़रा टाइम लगता है, उन चीज़ों पर काम हो रहा है। तो जो अर्ली साइंस नज़र आ रही है उसमें यह है कि फ़ायदा लाजमी होगा, शायद थोड़ा सा टाइम लगे इस सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज करने में, लेकिन आप देखिए कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनमें बुकिंग्स हो रही हैं। तो आई थिंक इसमें जैसे जैसे और स्कीम्स आइडेंटिफाई होती जाएंगी, स्पेशली लो हाउसिंग, लो इनकम हाउसिंग में जिसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी अवेलेबल। और देखिए गवर्नमेंट की थिंकिंग तो बिल्कुल सही है कि जो गरीब आदमी किराया देता है उसी किराए में अगर ये इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर ले तो उसकी एक चीज़ बन जाती है। सो वी आर होपफुल कि इसमें बहुत फ़ायदा होगा, टाइम थोड़ा सा इसमें शायद ज़्यादा लगे। जो इसमें एक ज़मीनी हकीकत ये है यकीनन कि सप्लाई कम है, और सप्लाई से हमारी मुराद है कि इस तरह के जो इन यू नो शराइत पे पूरे उतरते हैं घर, वो कितनी नंबर्स में हमारे पास मौजूद हैं। आपको एक मिसाल दूं कि ये स्कीम कहती है कि पहली दफ़ा वो घर बिकरा होना चाहिए, उस घर की मालियत 50 लाख होनी चाहिए, जो ख़रीदने वाला है उसकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये होनी चाहिए, और ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लीजिए, कितने घर जो बिल्कुल नए बनी दफ़ा लीस आउट हो रहे हैं 50 लाख की कीमत में आपको मिलेंगे? मोहसिन साहब आपके अंदाजे के मुताबिक जो स्टिमुलस है इस पर काम हो रहा है, ये सप्लाई कब तक बेहतर होगी? यानी आपको लग रहा है कि बिल्डर्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? जी बिल्डर्स बिल्कुल इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके ऊपर काम शुरू हो गया है। लेकिन जो शराइत की आपने बात की कि 50 लाख और 1 लाख की तनख्वाह एक्सेट्रा, ये बहुत अच्छी शराइत है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो फिर वही एक मिसयूज होता है, या बाद में एक कंप्लेन आती है कि देखें जी जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उनको और फ़ायदा हो गया। ये ख़ास तौर पे टारगेट की जा रही है उन लोगों के लिए जिनके लिए मकान बनाना अपने ज़राए से बहुत मुश्किल है। इस स्कीम्स के तहत काफ़ी हद तक लोग, अब किस हद तक लोग बना पाएंगे टाइम विल टेल, लेकिन स्कीम बहुत अच्छी है, इंटेंशन बड़ा क्लियर है। आई थिंक पहली दफ़ा किसी ने एक मुस्बत तरीके से इस पर फोकस किया है कि एक आम आदमी के लिए। सर इसका मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी मोबिलिटी और हमारी जो इंटरनल मूवमेंट है लेबर की उस पर भी पड़ेगा। बिल्कुल। मसला ये है कि जिस तबके की बात की जा रही है वो अक्सर रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करता है जहाँ पे उसको किराए पे रहना पड़ता है, और इन बड़े शहरों में इस तरह के घर उसकी सप्लाई मौजूद नहीं है। अगर आप शहर से बाहर मिसाल के तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर ऐसी स्कीम्स बनाते हैं तो फिर इनका रोजगार पर पहुँचना मुश्किल है। सो इट इज़ स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, लेट्स सी हाउ दैट शेप्स अप। आखिरी सवाल आपसे मोहसिन साहब कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, छोटा कारोबारी तबका, आने वाले दिन बड़े सख्त लग रहे हैं, रमज़ान का महीना है, थर्ड कोविड वेव है, उनके लिए कोई रिलीफ की बात की जा रही है इस वक्त? जिस पे दो चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो स्टेट बैंक ने एक स्कीम अनाउंस की थी लास्ट ईयर जिसको कहा है कामयाब जवान स्कीम, तो उसमें जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बैंक्स हैव बीन एनकरेज्ड टू लेंड टू देम, तो वो उस पर काम शुरू हो चुका है और बैंक्स उसको इश्तहारात भी दे रहे हैं और उस पर डिसबर्समेंट्स भी हुई है। और दूसरी चीज़ जिस पे अभी काम हो रहा है जो कि इंशाल्लाह कुछ आई थिंक हफ्तों में फाइनलाइज हो जाएगी, वो ये कि स्टेट बैंक बैंकों के साथ काम कर रहा है ऑन स्कीम फॉर SME सेगमेंट, कि यहाँ पे जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत है उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं
उनकी ये प्रोग्राम सिर्फ होगा उनके लिए। सही, तो आई थिंक इस तरह की स्कीम पे भी काम हो रहा है। कीपिंग देम अफ्लोट विल बी द प्रायोरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन नथानी साहब, द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे पर्टिनेंट जो मौजूआत थे हमारी इकोनॉमी को लेके, उस पर गुफ्तगू हुई। अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना पड़ रहा है, वापस आएंगे विद द टॉपिक ऑफ द डे। हमारे साथ रहिए।